सभी का स्वागत है नेक्स्ट नाइन न्यूज के स्पेशल शो हिडन सीक्रेट में। आज बॉलीवुड की हर खबरों के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, बॉलीवुड के सबसे ज्यादा एडोरेबल कपल कटरीना कैफ और सलमान खान को लेकर हम लाए हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स का खुलासा करने के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम और इसी के साथ बेहद ही स्पेशल एपिसोड, जिसमें आप जान जाएंगे कि वाकई में सलमान खान के प्यार में कटरीना पूरी तरह से डूबी है और इसे वो मीडिया के सामने खुद ही स्वीकार कर चुकी है। एक ऐसा मौका था जब सलमान खान को लेकर, उनके साथ शादी के सपने को लेकर, उनके साथ उनकी पत्नी बनकर जिंदगी के नई सफर की शुरुआत को लेकर किया गया था कटरीना से सवाल। फिर सलमान खान को लेकर क्या था कटरीना का जवाब, ये जानेंगे आप। किस तरह से कटरीना बहुत ज्यादा एम्बेरेस हुई थी और शाई होकर ब्लश कर उन्होंने अपनी तरफ से इस बात की रजामंदी दी थी कि वो तैयार है शादी के लिए। इंतजार है तो सलमान खान की तरफ से हामी भरने का, उनकी तरफ से ऐलान करने का। पर कौन सा मौका था वो और किस तरह ये राज खुला था, ये तो आप जानेंगे। और इसी के साथ आज के हमारे स्पेशल शो में ये भी जानेंगे आप, भाई एक और मौका था जब सलमान खान अपनी बारबी डॉल कटरीना को कॉपी करते हुए फिल्म टाइगर जिंदा है की प्रमोशन के दौरान ये बताते नजर आए कि जब भी कटरीना उनके करीब आती है तो वो अपना आपा खो बैठते हैं और वो खुद पर कंट्रोल रखने के लिए, अपने आप को बेकाबू होने से बचाने के लिए अपने हाथ को पॉकेट में डाल देते हैं ताकि उनका हाथ कटरीना ना पकड़े। और तो और उन्हें गले लगाकर किसी तरह से संभालते हुए धीरे धीरे वो अपने आप से साइड करते चले जाते हैं। भाई ये प्यार नहीं तो क्या है जो सबके बीच सामने ना आ जाए सच। इस से खुद को बचाने के लिए सच का सामना करने से सलमान कुछ ऐसा अंदाज लेकर आते हैं। भाई ये बात तो खुद सलमान कहते हैं, लेकिन कब ये ऐसा सच सामने आया, किस तरह ये राज खुला, हम जानेंगे अपनी रिपोर्ट में बिना देर किए। चलिए बढ़ते हैं उन रिपोर्ट्स की तरफ। आखिर कब स्पीचलेस हो गई थी कटरीना कैफ जब सलमान खान की शादी को लेकर उनसे किया गया था सवाल। दरअसल ये मौका था तब का जब सलमान खान नहीं बल्कि आमिर खान के साथ कटरीना अपनी फिल्म धूम को प्रमोट कर रही थी। धूम फिल्म को लेकर कटरीना काफी खुश थी। धूम 3 को लेकर कटरीना कैफ काफी खुश थी क्योंकि धूम 2 में तो थी ऐश्वर्या, लेकिन धूम 3 में मिला था कटरीना कैफ को काम करने का मौका। ऐसे में हम आपको ये बताना चाहेंगे, कटरीना कैफ ने कबूली थी सच्चाई सलमान खान संग शादी को लेकर कि वो इस बार कुछ कहना तो नहीं चाहेंगी, लेकिन वो माफ़ी मांगना चाहेंगी क्योंकि उन्होंने ना भी नहीं किया। 7 फेरे के बाद धूमधाम से पार्टी ज़रूर हो सकती है, ये कहना था सलमान खान की दुल्हनिया कटरीना का, क्योंकि उन्होंने पार्टी के बारे में बात तो की लेकिन 7 फेरे वाले बात को छुपाकर ये कहा है वाकई में वो भी तैयार है। जिस तरह शादी के सवालों पर उनसे किया गया था, क्या आपने कभी शादी के लिए उनसे पूछा है क्या आप राज़ी हैं, तो कटरीना ने हंसकर अपने इशारे से ये कह दिया कि वो वाकई में तैयार है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। रोमांस, एक ऐसा सफर रोमांस की दुनिया की तरफ सलमान खान और कटरीना कैफ रखने जा रहे हैं जो उनकी फिल्म भारत में आपको दिखाई देगा। लेकिन रोमांस को जिंदगी का एक हसीन लम्हा कहते हैं सलमान खान, जिनकी माने तो उन्होंने कटरीना कैफ के करीब आने को लेकर खुलासा किया था एक शो के दौरान उनको कॉपी करते हुए। दरअसल DID शो के एक एपिसोड की हम बात कर रहे हैं जब सलमान खान से कहा गया कटरीना किस तरह उनके करीब आती है और करीब आने पर वो क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया जब भी कटरीना उनके करीब आती है तो वो खुद पर कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर कोई उनका हाथ पकड़े तो वो अपना पॉकेट में हाथ डाल लेते हैं, तो वहीं कटरीना के करीब आने पर वो उन्हें गले से लगाते हैं और फिर बाद में इशारा करते हैं बॉडीगार्ड को, भाई किसी बहाने इसे साइड कर दो। भाई ये मजाक था कटरीना कैफ जब कॉपी कर रही थी सलमान को तो ये बताने का कटरीना की तरफ से कि उनके करीब आने पर सलमान खान शायद कहीं ना कहीं बेकाबू हो जाते हैं या फिर प्यार लुटाते वक्त काबू हो बैठते हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। ये बात अपने आप में बड़ी ही अजीब आपको लगेगी तो ज़रूर, लेकिन सलमान खान ने वाकई में कटरीना के पैरों पर झुककर उन्हें पाया लागू कहा था।
इसका सबूत DID के उस एपिसोड में है जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। सलमान और कटरीना की शादी को लेकर जब वहां पर जमकर दोनों ने एक दूसरे का मजाक बनाया था, दोनों ही एक दूसरे को कॉपी करते नजर आए थे और दोनों का प्यार खुलकर सामने आया था। जब भी कटरीना सलमान खान की एक्टिंग कर रही थी तो वहां उनकी एक्ट को देखकर सलमान खुद पर काबू नहीं रख पाए थे और उन्हें जाकर गले लगाकर अपना प्यार लुटाते नजर आए थे। वल दोनों के बीच दोस्ती बेहद गहरी है, इसमें कोई शक नहीं। आज अगर सलमान खान के दिल में सबसे ज्यादा कोई राज करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कटरीना कैफ ही है, जो उनकी हमसफर बनने के लिए वाकई में काबिले तारीफ गुण भी रखती है। सलमान खान वो एक्टर है जिनका खुद का कहना है कि कटरीना कैफ एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जिनमें वो क्वालिटी है कि वो किसी की सुनती नहीं। कटरीना कैफ के बेस्ट क्वालिटी के बारे में बताते हुए सलमान खान कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुलझी हुई एक्ट्रेस है। कटरीना किसी की बातों पर यूं ही नहीं आती। भाई अपनी होने वाली दुल्हनिया की तारीफ करते हुए सलमान ने वो वाकई में इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि कटरीना हर अंदाज में बेहद लाजवाब लगती है। इस मौके की बात कर रहे हैं हम तो आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सलमान खान कटरीना को कॉपी करते हुए ये बताते नजर आए थे कि फिर चाहे कटरीना कैफ रैंप वॉक करते नजर आए, पोज देती नजर आई, गुस्सा करते नजर आई, हंसते नजर आए और साथ साथ में किसी के सामने एक्शन सीन देते नजर आए, उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है। फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। कटरीना के फेस का एक्सप्रेशन देते हुए सलमान खान अपनी आंखों को जिस तरह से घुमाते नजर आए थे, ऐसा लग रहा था मानो कटरीना की वहां पर बोलती बंद करने के लिए ही सलमान खान उनकी एक्टिंग को वाकई में सबके सामने लाते नजर आए हो। भाई ये दोनों का प्यार है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक बात दोनों की दोस्ती की हो तो दोनों ने अपनी दोस्ती को हुल्लम खुल्ला हमेशा कबूल किया है और इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है और शायद आप भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि जो दोस्त अच्छा बन सकता है वो जिंदगी भर के लिए साथी भी बन सकता है। एक साथी वही होता है जो अच्छा दोस्त हो, अच्छा हमसफर हो, अच्छा समझदारी रखने वाला रिश्ता बना रखे। एक दोस्ती में जितना भरोसे की जरूरत होती है उतनी ही ज्यादा जरूरत एक दोस्त को दूसरे दोस्त की होती है और प्यार वही होता है जहाँ दोस्ती होती है। हर मोहब्बत की शुरुआत ही दोस्ती से होती है। ऐसे में सलमान और कटरीना की दोस्ती पूरी तरह से पक्की है, ये तो वो खुद कहते हैं। तो देखते हैं ये प्यार जो खुलकर एक दूसरे के लिए सिर्फ फिल्मी पर्दे पर लाते हैं, वो शादी के बंधन में बंधकर कब स्वीकार करते हैं कि वाकई में ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बताना चाहेंगे हम आप सभी को, सलमान खान और कटरीना कैफ दोनों एक दूसरे को इतनी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के हर चाल हर रंग रूप को पहचान कर सबके बीच एक दूसरे की तारीफ करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। और भाई ये प्यार नहीं तो अब क्या है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। तो देखा ना आपने, बारबी डॉल कटरीना ने खुद ही बताया था किस तरह वो स्पीचलेस हो गई थी, वो वर्डलेस हो गई थी, एक्सप्रेशनलेस हो गई थी जब उनसे शादी का सवाल किया गया। मतलब साफ है कि जब उन्होंने कोशिश की थी सलमान खान से शादी की बात करने की तो वो खुद को तैयार रखकर उनकी पत्नी बनने के लिए सामने लाई थी। मतलब ये बात साफ है कि वो राजी है आज भी सलमान की पत्नी बनने के लिए। तो भाई देर किस बात की, सलमान भाईजान पूरी कर दीजिए आप भी करोड़ों लोगों की वो ख्वाहिश है जो आपको देखना चाहते हैं शहरा बांध कर दूल्हा रूप लेकर बाराती लेकर अपनी डोली में दुल्हनिया को सजा कर घर लाते देखने का। अब ये इंतजार आप खत्म करेंगे हमें तो पूरी उम्मीद है और हजारों करोड़ों की भीड़ आपकी शादी को देखने के लिए आज भी तरस रही है। तो देखते हैं आपकी दुआएं जल्द से जल्द पूरी करते हैं या फिर लगाएंगे आप और भी वक्त ये बताने के लिए दर्शकों आपके बीच हम लौटेंगे फिर। लेकिन तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और इस प्रोग्राम के साथ अब मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर,
वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।